जीएन भारत, जन जन तक। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। राम बुलावा दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सौ सुख बैकुंठ न होए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कहते हैं कि यदि आपको 84 लाख योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति कर बैकुंठ पहुंचना हो तो भगवान श्री राम और भगवान विष्णु की भक्ति में स्वयं को तपाना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के माने जाने वाला पतित पावनी धाम रामरेखा की। रामरेखा धाम राजधानी रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर गिरिखंडों की गोद में बसा है। घनघोर जंगलों से सुरमय पर्वत और फूलों की खुशबू बिखेरने वाले रामरेखा धाम असहज ही लोगों का दिल अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पहुँचने वाले लोग यहीं कर होकर रह जाते हैं। यह वही तपोस्थली है जहाँ ऋषि मुनियों संत महात्माओं ने बरसों से तप किया है। रामरेखा धाम क्षेत्र के वासियों का श्रद्धा का केंद्र आदिकाल से रहा है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम अपने अनुज के संग यहाँ चतुर्मास वितरित किए थे। इसके पूर्व माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पधारकर लोगों को दर्शन दिए थे। इस पर्वत को परवर्षन गिरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ हर दिन वर्षा होती है। राक्षसों से युद्ध करते हुए श्री राम के आदेश से लक्ष्मण सीता को सुरक्षित रखने के लिए गुफा में लाए तथा उन्होंने श्री राम का स्मरण कर पर्वत गुफा पर रेखा खींची थी, जो रेखा आज भी रामरेखा के मुख्य द्वार में विद्यमान है। इसी तरह रामरेखा में सीता जी का चूल्हा, गुप्त गंगा, चरण पादुका, अग्निकुंड जैसे कई प्रमाण मौजूद हैं, जो भगवान राम के रामरेखा धाम पधारने का प्रमाण देते हैं। श्वेता युग के पश्चात इस पवित्र स्थल की जानकारी सर्वप्रथम विरुराज के तत्कालीन राजा श्री हरिराम सिंह देव जी को जंगल में भ्रमण करते दौरान हुई थी। राजा को आखेट के समय रामधुनि देता हुआ शंख मिला, साथ ही शिवलिंग का दर्शन हुआ, जिससे राजा आनंदित हो गए। इसके बाद राजा के आग्रह पर परम पूज्य रामरेखा बाबा रामरेखा धाम पधारे, जिन्होंने रामरेखा धाम की प्रसिद्ध दिलाई। रामरेखा बाबा जो अपने त्याग, तप एवं सेवा से संपूर्ण क्षेत्र को ख्याति प्राप्त हो गए। स्वामी जयराम प्रपन्नाचार्य महाराज जी, जिन्हें प्यार से लोग रामरेखा बाबा भी कहते थे, 1942 में वीरुगढ़ के राजा धर्मजीत सिंह के निमंत्रण पर यहां पहुंचे थे, जिन्होंने रामरेखा धाम में अपनी तप और सेवा से धाम को विकसित किया। उनके तप का प्रभाव ही था कि 1956 में देवराहा बाबा रामरेखा धाम पहुँचे। अपनी त्याग, तपस्या और साधना से पूज्य बाबा क्षेत्र के आदिवासियों के दिलों में आज भी राज करते हैं। वर्षों से लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज रामरेखा धाम में सैकड़ों श्रद्धालु धाम पहुंचकर गंगा में स्नान कर भगवान राम माँ जानकी का दर्शन और पूजन किया। मौके पर सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर स्वयं को धन्य महसूस किया। इस अवसर पर रामरेखा धाम के महंत उमाकांत दास जी महाराज ने कहा कि आज का जीवन मनुष्य के लिए संकटमय हो गया है। भगवान राम की भक्ति ही मनुष्य को शांति और विजय दिला सकता है। सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के कारण हालांकि उतनी भीड़ नहीं हो पाई, परंतु सैकड़ों श्रद्धालु ने पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।